दोनों भाई बहन सो रहे हैं। और ओ, सोने ही नहीं है, मैं 5 बजे की उठी हूँ। मैंने चाय बना के मैडमों को भेज भी दिया है। चाय पी ना? मैं नहीं पी होगी क्योंकि दूध फट गया था। कैसे? तो गिनी बाहर भी ना खराब सारा। क्यों चाय बना रहे? हमने 1.5 किलो दूध लिया, वो फट गया सारे। बाहर कहाँ छोड़ दिया? क्यों, गर्म था तो गर्म गर्म फ्रिज में नहीं ना रखना था। रात को उबाल है? कल जब हम सुबह गए हैं उबाल के गए हैं ना, नहीं पता लगा रही हूँ। सुबह क्यों उबालना था, रात को उबाल लेती। हाँ, मैंने भी मिनी को यही कहा कि तुमने ये चीज गलत की, चाय के लिए निकाल लेती बाकी फ्रिज में। चलो अब गिन्नी चाय बनाएगी। गिन्नी नहीं चाय बना रही है। गिन्नी चाय बना रही है? गिन्नी तो नहीं। मिक्की ने बोला था ना चाय बना रही थी ना गिन्नी। गिन्नी चल खुद भी कुछ कर लो, सारा कुछ गिन्नी कर रहे। पढ़ रहा हूँ मैं। पढ़ रहा हूँ मैं तो, मैं भी पढ़ सकती हूँ, मैं भी पढ़ूँ अपने मैसेजेस। चलो यार चाय आप लोग बना लो, मैं बाकी काम कर देती हूँ, सारा काम रहता है। तो नेक्स्ट काम है पानी देना है गमलों को। आज मॉर्निंग की चाय बनती हुई अभी तो रेडी हो गया नहा के, अभी खाना बन रहा है, खाना खाएंगे फिर हम जाएंगे। यहाँ पे बंदे तैयार हैं, यहाँ पे लीला। अरे लीला क्या हुआ? गर्मी होगी, फैन चल गए, क्या करें। खाना हो चुका है, जगह बनाई जा रही है। हमारे फ्रिज में कभी भरता नहीं, हमारा खाली रहता है। ये अपने छोटे छोटे प्लांट्स। बार बार बोल रहे थे गाड़ी में पीछे पीछे, हमने उसे दरवाज़ा बंद नहीं है, हमने दरवाज़ा बंद कर दिया। उसके बाद आगे आके एक और गाड़ी वाले ने बोला भाई पिछले टायर में हवा नहीं है, फिर देखा बिल्कुल फ्लैट टायर, कुछ था ही नहीं, हवा ही नहीं थी उसमें। फिर अभी पंचर लगवाया पंचर वाले भैया से, तो फाइनली अभी पंचर लगवा के निकल गए। ये आ गए निज्जर चौक, लेफ्ट साइड टुवर्ड्स करट, राइट साइड टुवर्ड्स चंडीगढ़। यहीं पे पता लगा था हमें बोल्ट। हाँ यहाँ पता लगा था हमारा बोल्टेड। हम निकल चुके हैं मेन रोड पे फ्लाईओवर के नीचे, अभी फ्लाईओवर लेंगे यहाँ से। यहाँ पे 30 स्पीड लिमिट है, 30 से ऊपर ना चलाएं, नहीं तो आगे कैमरे भी लगे। फ्लाईओवर ले चुके हैं हम, हमारे राइट साइड में है अभी वी आर मॉल, जो कि आप देख सकते हो यहाँ से, देख लो। और ये है मेन हाईवे, ये आ चुके हैं बलोंगी। बलोंगी यहाँ पे नया पार ढाबा खुला है रेड टेप का, यहाँ पे फैक्ट्री आउटलेट है। यहाँ पे हमेशा आपको 50% डिस्काउंट मिलेगा नियर पालकी रिसोर्ट। यहाँ पे ATS टावर के पास 26 काउंट कर रहे हैं फ्लोर कितने, G+26 मिला है। और आप जीत चुके हैं ऐसी गर्म तेज धूप में AC का आनंद, जो कि आप ले रहे हैं। थैंक यू मसाला सर। हाँ चंडीगढ़ एंटर हो चुके हैं हम, और यहाँ पे स्पीड लिमिट 60 है। हम वैसे भी पीछे भी 60 से ऊपर जाते नहीं है, तो यहाँ पे भी नहीं जाएंगे। यहाँ के कैमरेज लगे हो हर जगह, कहीं से भी आप ट्रैक हो सकते हो। और हमारी स्पीड है अंडर 60। एंड में थोड़ा चेंज है, हम 46 की जगह जा रहे हैं अभी 32 सेक्टर। 46 ये है 32 कोस्मो केयर एंड हेयर क्लिनिक। हम हैं सेक्टर 32 में वेट करते हुए गिन्नी की भाभी का, गिन्नी की संकल्प की पत्नी। संकल्प मेरी क्या नहीं, चलो जो भी है, जो भी सिस्टर इन लॉ। हाँ चलो अभी वेट कर रहे हैं, उसको पिक करना है यहाँ से। भाई यामो जो आ रही है यहाँ पे, वो है यामो जिसको आज सिर पे चोट लगी इसलिए इसको छुट्टी मिल रही है। यामो कहती हुई कि उसको सूजन हो चुकी है, बट मुझे कोई सूजन नहीं दिख रही है अभी तक। ये मुझे एक्चुअली ये मुझे एक लग रहा है, यामो ने देखा आज के सारे छुट्टी मना रहे हैं और मज़े कर रहे हैं, तो क्यों ना मैं भी निकल लूँ। नहीं नहीं यार, इसको सच्ची लग। हाँ बड़ी ज़्यादा लग गई है यामो, सूज गया है तो मक्खी की तरह। बताया है अभी। वापस आ चुके हैं
बिकॉज या मुँह का चश्मा रह गया अंदर, आप चश्मा लेके 46-45 रोड यहाँ पे डिवीज़न हो रही है आजकल, ये नया काम चल रहा है, अच्छी बात है, रैली लगा दी तो लोग उछलते हुए क्रॉसिंग कर रहे होते हैं बीच में। अभी हम जा रहे हैं 46 सेक्टर मिन्नी के स्कूल, पहुँच चुके हैं सेक्टर 46 में और यहाँ पे आगे राइट साइड में आएगा नॉर्थ रिज इंटरनेशनल स्कूल जो कि मिन्नी वाला स्कूल है, ये आप देख सकते हो बाउंड्रीज की राइट साइड में टेंट शेट लगे हैं जो दिख पा रहे हो। यहाँ हम पहुँच चुके हैं स्कूल की पार्किंग में, ये है स्कूल जहाँ एग्जीबिशन लगी हुई है, लेट्स सी क्या है अंदर। हम पहुँच चुके हैं यहाँ पे देखो लिब्रो मिन्योर गार्डन फोर है स्कूल और ये गिन्नी और यहाँ पे लगा है एग्जीबिशन लगी हुई है गिन्नी की नॉन गिन्नी की नॉन, काफ़ी डिज़ाइन किया हुआ है यहाँ पे, काफ़ी मेहनत लगी इन चीज़ों में, इतना लंबा गुड जॉब। ये क्या है फ्रॉग? ओके आई गेस ये वो है जो क्या बोलते हैं इसको, हाँ फेल पास वाला। और ये है नॉर्थ रिज इंटरनेशनल स्कूल की ट्रेन थ्रू टाइम। अच्छा मैं प्ले करती हूँ यहाँ पे थोड़ा, अब एक खेल के बताएंगे 1 1 2 3 4 5 6 7। अरे ऐसे नहीं करना होता है, पाँव वन बाय वन रखना है। एंटर हो चुके हैं स्कूल, जस्ट आउट ऑफ वेस्ट ये वाले मिनी ने बनाए, ये मिनी लाई थी। टेबल है हमारे तो सिटिंग यही थी, ये तो डाइनिंग टेबल भी बन गया बड़े टायर के साथ। अरे टेंट भी है यहाँ पे, उन्हें काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें बनाई हैं। और यह है पार्टीशंस कि आपको वन बाय वन रूम में ही जाना है, मतलब यहाँ से निकले यहाँ जाना है, वहाँ से निकले यहाँ जाना है, यहाँ से निकले यहाँ जाना है। अल्फाबेट्स सर मैच द नंबर्स, ये सब बच्चों के लिए काफ़ी क्रिएटिव आइडियाज। आर्टिफिशियल अनियन, शिमला मिर्च, से बाहर और दूसरे रूम में एंट्री। काफ़ी कुछ किया है और यहाँ पे गिन्नी नेक्स्ट रूम में पहुँच चुकी है। गिन्नी भी हमें मिल चुकी है, बस टर्टल्स ग्रीन सूट डाल के आई हैं आज, कैसा लग रहा है आपको ग्रीन सूट में? आई कार्ड नॉट इंटरेस्टेड को प्लेस पहले से होती है।
स्कूल के अंदर, काफ़ी अच्छा इंटीरियर, काफ़ी अच्छे से मेंटेन किया हुआ है. ऑल क्रेडिट गोज टू द स्टाफ मेंबर्स. यहाँ पे मिलते हुए ओके, थैंक यू फॉर दिस. तो अभी हमें स्प्राउट्स मिले हैं. अच्छे बनाए, काफ़ी अच्छे बनाए. ओके, काफ़ी अच्छे बनाए. स्टाफ थोड़ा सा कंफ्यूज होता हुआ कि प्रीतिका है, प्रीतिका मैम, बट प्रीतिका नहीं है, धोखा है. It's made of fiber. Yeah. Afternoon. These are pronouns. Okay. Pronouns are the words we use in place of nouns. This is a swarm of bees. Some examples of the adjective of relative degree, which is the main verb with each. Okay. Are the names of particular people, places, or things. Which are the words that we add at the starting of a meaningful word to make a new word? Are similar meanings. Like for example, scared, afraid. Sick is. Suprabha, mera naam Rishi hai. Aur ye hamara mantra chakra hai. Ye hamara achhe aur bure kaam ke saath. Jaise Raja Rani, Bhai Bhai. तो अभी तक हम स्कूल के अंदर ही घूम रहे हैं. काफ़ी क्रिएटिव आइडियाज़ हैं, काफ़ी क्रिएटिविटी दिखाई है स्टूडेंट्स ने भी, स्टाफ ने भी. तो ओवरऑल काफ़ी इम्प्रेसिव था ये. अभी तक घूम ही रहे हैं और जो डेमोंस्ट्रेशन जो बच्चों ने दी है वो तो आउटस्टैंडिंग है. काफ़ी अच्छा कैंपस है, काफ़ी अच्छा लगा यहाँ पे आके. काफ़ी कुछ सीखने को मिला न्यू, जो कि हम भूल चुके हैं बचपन में. रिवाइज हो गया सब कुछ, सारी स्कूल मेमोरीज. ज़ू, ओके. सो व्हाट वी हैव, पिजन, पैरेट, रैबिट. बैठो. मिट्टू बोला काटता है, इसमें उंगली ना डालो. काटता है, ये लो लालच, लालच, लालच. हम लालच दे रहे हैं आपको, हमारे पास ही. अरे हॉर्स, वी हैव गिनी पिग्स. ओ टू स्मॉल. ये छोटे छोटे से क्यूट से गिनी पिग्स हैं यहाँ पे. काफ़ी अच्छा इन्वायरमेंट है स्कूल का, काफ़ी बड़े एरिया में बना है स्कूल. अभी यहाँ पे आई गेस एग्जीबिशन के साथ यहाँ पे शॉप्स हैं, क्या है. ओवरऑल काफ़ी मज़ा आया आज, काफ़ी अच्छा दिन रहा. घर पे बैठ के बोर होना था, बेटर था कि काफ़ी चीज़ें नई सीखने को मिली, देखने को मिली और अपना स्कूल टाइम याद आ गया. काफ़ी बड़ा कैंपस है. तो अभी हम आ चुके हैं स्कूल से बाहर, काफ़ी गर्मी है बाहर. तो स्कूल का एनवायरनमेंट काफ़ी अच्छा था. मैं कभी स्कूल में पढ़ा नहीं हूँ बट अच्छा था, काफ़ी अच्छा लगा मुझे. स्टाफ काफ़ी कोऑपरेटिव था, स्टूडेंट्स काफ़ी इंटेलिजेंट लगे ऐसा.
ऐसे एग्जीबिशन होने चाहिए रेगुलर बेसिस पे, चलो रेगुलर नहीं तो मंथली तो होने ही चाहिए, तो काफ़ी कुछ नया चीज़ें सीखने में मिलता है। अगर आपके भी बच्चे छोटे हैं जिनको स्कूल एडमिशन लेना है तो एक बार आओ यहाँ पे, काफ़ी अच्छा लगा मुझे तो आके। तो ये था स्कूल इंटरनेशनल स्कूल। अभी हम जा रहे हैं गिन्नी को ड्रॉप करने बस स्टैंड। गिन्नी चंडीगढ़ अगले महीने फिर आएगी। अभी के लिए जा रहे हैं वापिस जलंधर, कल से स्कूल रिज्वाइन करना है। ड्रॉप कर दिया है अभी गेड़िया इन चंडीगढ़। इस मौसम में चंडीगढ़ देखो कितना अच्छा लगता है, येलो येलो लीव्स उड़ते हुए कितने प्यारे लगते हैं। तो जस्ट अभी आया था मैं सेक्टर 22, मेरे फ़ोन में थोड़ी गड़बड़ थी तो वॉल्यूम बटन चलना ही बंद हो गया था, तो जस्ट अभी वही ठीक करवा के आ रहा हूँ। सेक्टर 22 में अटारी मार्केट में गया था, ये कांड होना बाकी था। गाड़ी के आगे गाड़ी लगा के अब निकालो कहाँ से आ गया। अभी जस्ट मैंने गन्ने का जूस पिया, इस सीज़न का फर्स्ट टाइम पिया है, मज़ा आ गया। अभी मैं घूम रहा हूँ सेक्टर 22 में, लेट मी शो यू। ये है 22 मार्केट के बैक वाली साइड। भाई साहब गर्मी बहुत है, गर्मी बहुत है। तो अभी 22 सेक्टर के बाद पहुँच चुके हैं हम मिक्की के यहाँ, और यहाँ पे भी एक नई चीज़ अभी जस्ट कुछ टाइम पहले डिलीवर हुआ, इनके ऐसी लगाने वाला बंदा आया नहीं, अभी यहाँ लगाएंगे, यहाँ लगाए जाएंगे, ये रेलिंग भी उतरेगी। डॉट 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 फ्लिपकार्ट एग्जीक्यूटिव के साथ बात करते हुए, इनके इंस्टॉलेशन वाला बंदा नहीं आ रहा है तो कुछ बहस की जा रही है, आप सुनते रहिए कहानी। कब तक आ जाएगा? कल कितने बजे? सुबह 8 बजे हो जाएगा, हम 9 बजे तक जाएंगे। अगर कल के होते तब भी ठीक है, तो ये नहीं। और अभी हम मिन्नी को हमने स्कूल से पिक कर लिया है आफ्टर एग्जीबिशन, और हम आ गए यहाँ पे सर्कस सेक्टर 34 में। जो सर्कस टिकट है 100 रुपये, नहीं 100 नहीं 200 रुपये, 300 रुपये और 400 रुपये की। और हम ले रहे हैं यूटर्न, हम तो सोच के आए थे 20 रुपये की एंट्री होगी। वो सामने है सर्कस और इस तरफ है मेला, आ चुके हैं मेले में। ये है सामने मेला लगा हुआ, कैसा लग रहा है मेले में आके? गेट भी होता तो सारे जाते अंदर। हम टिकट लेने के लिए 20 रुपये टिकट, 20 रुपये चुके हम फेयर के अंदर। यहाँ पे कारपेट सेल हो रहे हैं, कारपेट देख लेते हैं। जामू बहुत खुश होती हुई, इसने पॉट्स देख लिए छोटे छोटे हाथी। आएगा कुछ नहीं इसके अंदर, आएगा कुछ नहीं इसके अंदर। ये बोटल्स लेने के लिए छोटे छोटे कप ले। मिक्की मिक्की झूले में पहले बैठ गया, मिक्की पहले बैठ गया झूले में। यहाँ पे मिन्नी आई है बंटे वाला पानी पीने के लिए। फाइनली घर आ चुके हैं मिन्नी के एग्जीबिशन के बाद, मिन्नी को पिक करा, उसके बाद हम 32 के फेयर में गए थे, और वहाँ पे जाके मिन्नी की तबीयत से ख़राब होगी तो हमें जल्दी घर आना पड़ेगा, और आते ही मिनी सो गए। चलो खाने का जुगाड़ ढूंढना है, अभी जोमेटो से ऑर्डर करता हूँ और ब्लॉग को यहीं पे क्लोज करते हैं। बाकी मिलते हैं आप नए ब्लॉग में नए कंटेंट के साथ। थैंक यू।